और धीरे धीरे वो दिन करीब आता जा रहा है जिसका राम भक्तों को न जाने कितने वर्षों से इंतजार था। रामलला अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी की तारीख निर्धारित है और देश भर के, दुनिया भर के जितने राम भक्त हैं सबका अयोध्या में उस दिन आने का कार्यक्रम भी बनता जा रहा है। सब राम भक्त अपना पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच राम मंदिर की तरफ से, जो वहाँ का राम मंदिर के न्यास की तरफ से तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को इनविटेशन भी भेजा गया है। इसमें स्पोर्ट्स के तमाम बड़े दिग्गज हैं, तो कला के फील्ड से हैं, सरकार, नेता, ये सारे लोग तो रहेंगे। और धीरे धीरे सबको इनविटेशन भेजा जाने लगा है। इसमें हर विभाग के लोग हैं, हर विधा के लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के महारथी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर हों, या फिर कला की दुनिया से सचिन अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार हों, रजनीकांत हैं, और तमाम बड़े दिग्गज, ऐश्वर्या राय की भी बात हो रही है। और रोहित जी, ये कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं 22 जनवरी की तारीख अयोध्या, यूपी, पूरे देश के लिए किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सनातन के मानने वाले जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 22 जनवरी। और जैसा कि लोगों को पता है कितने तपस्या के बाद बहुत से इस अयोध्या के, इस मंदिर के लिए कितना रक्तरंजित इतिहास रहा है, हर किसी को पता है। चाहे वो गोलीकांड हुई हो या इसके पहले जब भी उस पर आक्रमण हुआ और तमाम हताहत हुए लोग, ऐसा मतलब ये लोग कहते भी हैं और इसके तमाम प्रमाण भी मौजूद हैं कि एक तरह से बहुत ही एक लंबे समय के बाद, एक बलिदान के बाद जो है ये दिन आया। और यही वजह है कि रोहित जी, आप देखिए कि कार सेवकों की जो फैमिली है उनको भी बुलाया जा रहा है और VVIP के रूप में बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी तक क्या होता था, 6 दिसंबर के दिन जिस दिन ढांचे को गिराया गया था जी, उस दिन क्या होता था कि कार सेवकों की जो प्रतिमाएं थी या उनकी फोटो पे फूल माला अच्छे जो लोग जरूर चढ़ाते थे, कोठारी बंधुओं का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो दोनों भाई थे शायद, जानकारी के मुताबिक सबसे पहले गोली उन्हीं को मारी गई थी, उन्हीं गोली लगी। बिल्कुल। और वो जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, कोठारी बंधुओं का नाम अगर उससे छूट जाता है तो मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन अगर जिस तरह जो तैयारी है, आयोजन समिति है, उन लोगों ने उनके परिवार को भी निमंत्रण दिया है, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए एक अच्छा मौका है ये कि इतने समय, एक लंबे समय पहले जब उन्होंने ये बलिदान दिया था, वो सपना अब जाके साकार हो रहा है। कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं 22 जनवरी की जो तारीख होगी, वो कहीं ना कहीं आप राम भक्तों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे विश्व समुदाय में उसका क्या मैसेज आएगा और भारत के लिहाज से आप उस तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राम जो है वो जन जन की आस्था के प्रतीक हैं। जैसे कि अभी आप राम के बारे में कह रहे थे जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अल्लामा इकबाल, एक बड़ा नाम है उर्दू गजल में, उर्दू शायरी में जी, अल्लामा इकबाल का, तो वो लिखते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल ए नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद, एजाज इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तर अज शहर जमाने में शाम हिंद। क्या बात, इस तरह से वो राम के नाम पे किस तरह से लिखते हैं। और जो हमारे यहाँ जो एक प्रतीक माना गया है, चाहे वो राम पे लिखने की बात हो, कृष्ण पे लिखने की बात हो, समय समय पे लोगों ने लिखा। अगर वहीं पे एक बात करें हम शमसी मीनाई, वो भी उर्दू के बड़े, उर्दू अदब के बड़े अच्छे शायर हुए हैं, वो लिखते हैं राम पर लिखूँ मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। तो इस तरह से राम की जो बात है तो लोगों में एक आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक राम की पूजा इस धरती पे होती रहेगी। और राम ने सदैव विश्व बंधुत्व की भावना को, और अगर आप बात करें जैसे कि आजकल छुआछूत तमाम तरह की बातें जब आती हैं, लेकिन जब राम सबरी के पास पहुंचते हैं, उनके जूठे बेर उखाते हैं, उस समय के राम को देखिए, उसके बाद जब राम पत्थर वहीं अहिल्या को जब तारते हैं, इसके अलावा जब निषाद का जो प्रसंग आता है, केवट का आता है, ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे राम के उदाहरण कि उन्होंने, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं राम। बिल्कुल, तो एक बड़ी मतलब बात है लोगों के लिए सनातन को मानने, मर्यादा पुरुषोत्तम की आपने बात की, आपने शबरी की बात की, आपने केवट की बात की, लेकिन जब उसी बात को लोग सियासत से जोड़ देते हैं, BJP से जोड़ देते हैं, इनसे जोड़ देते हैं कि इस, तो उस समय में आके आप क्या देखते हैं, एक समय था जब बहुत सारे लोग थे जो राम के विरोध में खड़े थे। देखिए,
ये वही देश है जहाँ राम की पूजा करने वाले भी लोग हैं, राम के विरोध करने वाले भी लोग हैं। ये वही देश है जहाँ पे एक तरह से जब हम पूजा करते हैं, राम के नाम लेते हैं, उसमें नारे तमाम बना दिए गए हैं, जैसे कोई जय श्री राम बोलता है, जय सिया राम बोलता है। तो अगर एक तरह से ऐसा जो सियासत हुआ है, मैं इसे कहूँगा कि ये बहुत ही ओछी सियासत है, जो धर्म के नाम पे, राम के नाम पे। देखिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उन्होंने प्रजा को कैसे चलाया, प्रजा की बात कैसे मानते थे वो, तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण है। लेकिन जैसे आपने बात की सियासत की, तो जब राम मंदिर के मुद्दे चल रहे थे, कोर्ट में हुए थे, तो इस पे तारीख पे रोकने के लिए, तमाम चीजों करने के लिए कई बार ऐसे कुचक्र किए जी, मैं उसी आज भी जिसको सत्तारूढ़ बीजेपी उस चीज को भुनाती है। और कई बार जब एजेंडे की बात आती है, तो कई बार इससे पहले जब सरकारें थी बीजेपी की, ऐसा हुआ भी कि भाई राम मंदिर को लेकर के आंदोलन हुआ, आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तमाम खून खराबे भी, लोगों ने उसको देखा भी। और कई बार ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि राम हमारे एजेंडे में नहीं है, वो हमारे आस्था के प्रतीक हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और रही बात विपक्ष की, मैं कहीं देख रहा था जब प्रमोद कृष्णम, जो कि कलिक पीठाधीश्वर भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस चुनाव भी लड़ चुके हैं वो, उन्होंने उनको चंपत राय जी ने कार्ड भेजा, निमंत्रण भेजा उनको आने के लिए कि आप अयोध्या आइए। तो उन्होंने उसको बाकायदा बड़ी खूबसूरती से अपने सोशल मीडिया साइट्स पे लिखा कि मुझे बुलाया गया है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अंत में उन्होंने लिखा जय श्री राम। मुझे लगता है कि कोई भी जो सियासी, जो अलग सियासी रहनुमा है वो बीजेपी को छोड़ के, वो जय श्री राम बोलते हों। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बदलाव भी दिखेगी भगवान राम की स्थापना के बाद से, ये सियासतें खत्म हो और कहीं ना कहीं वो जो राम राज्य की जो संकल्पना है, जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो दिखाते हैं, वास्तव में उस राह पे चलने की, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि भारत में उस इनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद चीजें कुछ बदलेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, जो एक बड़ा मुद्दा बहुत दिनों से चला रहा था हिंदू मुस्लिम का, राम मंदिर को लेकर के, मतलब कई सरकारें बनी बिगड़ी, तमाम चीजें इस पे हुई, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब जो समय है वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति करने का नहीं है। हम दुनिया में आगे कैसे बढ़ें, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हम कैसे सुदृढ़ हों, कैसे हम इसको और आगे, जो हमारा जो भारत है, भारत का जो गौरव गान है, वो कैसे और आगे बढ़े, बिल्कुल इस पे हमें करने की जरूरत। पर्यटन की दृष्टि से रोहित जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे यूपी का भी एक कलेवर चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर पर्यटन की बात की जाए तो धार्मिक स्थल है हम लोगों के लिए, वो सदा आस्था का केंद्र ही रहेगा। अगर पर्यटन की बात करें तो आप देखिए कि देश के बड़े बड़े ग्रुप्स के जो होटल्स हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े अपने जगह ले लिए हैं, वहाँ पे होटल खोलने तैयारी है। कहीं ना कहीं अयोध्या में हलचल बढ़ चुकी है, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे वो और भी लोग हों प्रॉपर्टी के। कई लिहाज से अयोध्या की जो महत्ता थी वो पहले से भी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। मतलब नए नए उद्योग वहाँ खुल रहे हैं, एयरपोर्ट की बात जो मुझे लगता है एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला होगा, तो ऐसे बहुत, तो पूरी दुनिया के सेंटर में आ जाएगा अयोध्या, दुनिया के सेंटर जो है वो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु जी, बिल्कुल। और 2024 के बाद, 22 जनवरी 2024 के बाद ये तय मानिए कि अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी का कलेवर चेंज होने वाला है। और ये जो उत्साह है वो अभी से राम भक्तों के चेहरों पे, उनके मन मंदिर में, मन मानस में आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में ये माहौल बना हुआ है कि 22 जनवरी को तो अयोध्या पहुंचना है और भगवान राम के प्रति अपनी जो आस्था है उसको प्रकट करना है, दिखाना है। ये वो दिन है जिसका इंतजार इतने वर्षों से था, तो वो जब दिन आएगा तो वो कैसा होगा, जिसका उत्साह अभी से जब केवल सुनने के बाद ऐसा हो रहा है, तो वो देखने के बाद कैसा होगा। फिलहाल इस चीज को लेकर जो भी जी, बिल्कुल एक चीज और जान लीजिए, मैं दर्शकों को अपने बता दूं जी, कि चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने कहा है कि जिनको कार्ड भेजा जाए वही लोग अयोध्या आएंगे, बाकी लोग अयोध्या ना आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उस दिन 22 जनवरी को अयोध्या बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जो बहुत भीड़ होगी और भीड़ होगी, हाँ। देश दुनिया से लोग वहां पे आएंगे, लेकिन ये पूरा लाइव प्रसारण होगा, हाँ। आप सब देख सकते हैं और मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। और ये है कि उसके बाद तो हाँ बिल्कुल पूरा, जब हाँ राम मंदिर की जब बन जाएगा, राम जी वहाँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आपके पास उसके बाद तो हर दिन आप वहाँ पहुंचिए, हर दिन अपने भक्ति में डूबिए।
ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि वहाँ पे वही लोग पहुँचेंगे उस दिन जिनको कार्ड जा रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ होगी, संभालना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप अगर कार्ड नहीं मिलता है तो वहाँ उस दिन न जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस राम मंदिर के निर्माण और उसके जो भी अपडेट्स होंगे उसको लेकर हम लगातार इस पर वीडियो बनाते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे आपके बीच। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव UP न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।